हेलो दोस्तों, आज एक बार मैं आपको अपनी मिनी ओली वन मशीन में रियलमी 5 का ग्लास लगाकर दिखाऊंगा। ये देखिए, इसका मैं ग्लास चेंज करूंगा। आज आपको ये दिखाऊंगा मशीन कैसे वर्क करती है। ग्लास मैंने इसमें पहले ही ओसी लगा के रखी थी जिससे हमारा टाइम बचे। ये देखो, ये हमारा वेस्ट पेपर निकल गया। मेरा फ्रेम नहीं है, मैं फ्रेम के बिना ही लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने रख दिया अपना ग्लास इसमें, ये खुद ही पकड़ लेगा। ये देखिए, ये खुद पकड़ चुका है। मैं इसको आपको पंच करके दिखाऊंगा। ये देखिए, तो हमने पंच कैसे करनी है, ये देखो। ये डिस्प्ले हमने ऐसे रखी और ये पत्ता फोल्ड कर देना है। डोर ओपन करके ये देखिए, हमने डोर ओपन किया और बंद कर दिया। और हमने ये कंप्रेशर ऑन कर देना है। ये हमारा कंप्रेशर ऑन हो गया। अब हमने ये पंचिंग वाला जो ये बटन है, ये हमने ऊपर करना है। ये देखिए, बटन ऊपर करने के बाद ये हमारा वैक्यूम बनने लग गया है। -25 में जाने के बाद हमने ये आरा वाला बटन ऑफ करना है। -25 में जाने के बाद ये आरा वाला बटन हम ऑफ करेंगे। ये बहुत ही छोटी मशीन है हमारी और बहुत ही सस्ती मशीन है, और इसमें 5 मिनट में फोल्डर रेडी हो जाता है। और आपने देखा है, और मशीनों में काफी टाइम लगता है। ये देखिए, -25 में आ गया। मैं ये आरा वाला जो बटन है ये ऑफ कर दूंगा। ये देखिए, थोड़ा और भी 1-2 सेकंड और रखेंगे हम इसे। ये देखिए, मैं आरा वाला बटन ऑफ कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी हमने पंचिंग कर देनी है इससे डायरेक्ट। ये हमारी पंचिंग हो गया, आप देख सकते हैं पंचिंग हमारी। ये आरा वाला बटन अब हमने नीचे कर दिया और पंचिंग वाला बटन भी नीचे कर दिया। ये दोस्तों, ये हमारी पंचिंग है। ये देखिए, इसमें 99% तो आपके बबल निकल ही चुके हैं पंचिंग में। ये देखिए, आप देख सकते हैं बबल आपको कहीं नहीं दिखेंगे। अब हमने इसे डालना है बबल रिमूवर में। ये देखिए, ये पैड है। ये बटन हमने ऑफ किया ही हुआ है इसे। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक ही वैक्यूम बनने की, ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाएगा। और ये हमने 17 में जाने के बाद मशीन कंप्रेशर ऑफ कर देना है। आप देख रहे हो दोस्तों, आप चाइना के मशीनें लेते हो, चाइना के मशीनें की सारी गारंटी के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। इसकी 6 मंथ की गारंटी रहेगी। आप लेते हो चाइना की मशीनें लेते हो जोन सी, उनकी वो आपको गारंटी देते हैं, पर गारंटी के नाम पे वो लोग फ्रॉड करते हैं। कोई वो रिपेयर नहीं होती वो। ये देखिए, अब हमारे बबल रिमूवर में आप इसमें इकट्ठी 2 या 3 डिस्प्ले भी डाल सकते हो। ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखो 17 में आ चुका है हमारा मीटर। अब हमने ये बटन ऑफ कर दिया अपना, हमारा कंप्रेसर का बटन ऑफ हो गया, आप देख सकते हैं। ये देखो, अब हमने इसे 5 मिनट रखना है। पांच मिनट बाद हम फोल्डर निकाल के देखें हमारा फोल्डर कैसा रेडी हुआ है। आप दोस्तों ये देख सकते हो, हमारी मशीन है जो
ये हमारी पंचिंग है, पंचिंग है, और ये हमारा बबल रिमूवर है, और ये हमारा कंप्रेशर है, और इसमें 5 मिनट में फोल्डर रेडी हो जाता है। और सबसे सस्ती मशीन है ये हमारी, उसी मशीन आप लेते हो जो चाइना के मॉडल लेते हो उसमें आपको गारंटी मिलती है, पर गारंटी के नाम पे फ्रॉड होता है। वो उसमें कितनी गारंटी मिली, ये मेड इन इंडिया मॉडल है, इसमें ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी ना ही कोई दिक्कत आती है, 0% रिस्क के साथ आप इसमें फोल्डर रेडी कर सकते हो, और 5 मिनट में फोल्डर हमारा रेडी हो जाएगा इसमें। अब ये देखिए मैं इसकी एयर रिलीज करने लगा हूँ, एयर रिलीज करने का ये देखिए, और फोल्डर देखेंगे हमारा फोल्डर कैसा रेडी हुआ है, ये देखिए बिल्कुल आराम से घुमा देना है, एयर रिलीज होगी हमारी। ये हमने और घुमा देना है, ये देखिए डोर हमारा ऑटोमेटिक ही ओपन हो गया। अब मैं आपको इसमें का फोल्डर निकाल के दिखाऊंगा, फोल्डर हमारा कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों हमारा फोल्डर कैसा बना है, आप देख सकते हैं इसमें। कोई बबल नहीं है दोस्तों इसमें, काफ़ी बंदे कहते हैं कि इसमें बबल आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बबल ऐसे नहीं आते मशीनों में, और मॉडल में आ जाते हैं बबल की, आप जैसे और बाबा आप चाइना के जो मशीन मॉडल हैं उन्हें आप यूज़ करते हो उसमें बबल आ जाते हैं, इसमें कोई बबल नहीं आएगा, आप देख सकते हो खुद। ये देखो और सबसे ही सस्ती मशीन है हमारी ये दुनिया की, ये देखिए कोई बबल नहीं दोस्तों इसमें। जिस भाई को भी ये मशीन लेनी हो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, और इसकी 6 मंथ वारंटी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। ये देखिए आप फोल्डर इसमें बिल्कुल ओके बना, आप देख सकते हैं, देखिए कोई बबल नहीं है दोस्तों इसमें। और भी और आप मेरा ये चैनल में मेरी और भी वीडियो आती है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ओके थैंक यू दोस्तों।